वोकेशनल टीचर्स की सैलरी की बात करें तो ये एक शिकायत चुनाव आयोग को आई होगी, इनके बीच में पैसे बढ़ गए थे, सैलरी 19,000 रुपये प्रति माह इनको मिल रहा था, 19,500 कर दिया फिर। तो इलेक्शन कमीशन ने ये पूछ लिया है कि चुनाव आचार संहिता के बीच में ये कैसे जो है वो इनकी जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ये एक क्वेरी आई है। जिसमें अब देखिए जेबीटी डीएलएड को बंद करने के जो आदेश हुए हैं, मामला ये है हरियाणा का, और हरियाणा का इसलिए है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर जगह लागू हो रही है, हिमाचल में भी हरियाणा में भी। हरियाणा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यह डिसीजन लिया है, उन्होंने अपने जो सत्र है 23 से 25 वाला उसमें 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उसको शुरू करने का फैसला किया है, इसलिए डीएलएड और जेबीटी को हटा दिया। वैसे बीएड का भी स्ट्रक्चर इसमें चेंज होगा और हिमाचल ने भी इस स्ट्रक्चर को लागू करना है, हालांकि हिमाचल ने अभी डिसीजन इसमें नहीं लिया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में हिमाचल ने दावा किया था कि हमने सबसे पहले लागू की, लेकिन इस मामले में शायद पिछड़ गए। और जहां तक बात है, अभी हरियाणा में 345 के आसपास जो संस्थान है सरकारी प्राइवेट मिला के, वो जेबीटी और डीएलएड करा रहे थे, हिमाचल में भी सभी डाइट कराते हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं, लेकिन यहां अभी डिसीजन होना बाकी है, हरियाणा ने ले लिया, देर सवेरे यहां भी हो जाएगा और फिर ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से आगे चलेगी। हिमाचल में ये भी मैटर करेगा कि 8 दिसंबर के बाद सरकार कौन सी आती है और उसके साथ बड़ी सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड रहेंगी। के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली में मौजूद थे, हालांकि इस बैठक के बाद करीब 5 बजे वापस दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम निर्धारित था। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सेब आयात शुल्क को बढ़ाने, औद्योगिक पैकेज व जीएसटी मुआवजे की अवधि यहाँ पर बढ़ाने का मामला उठाया, क्योंकि जिस प्रकार से मुआवजे को लेकर लगातार बागवान, हिमाचल प्रदेश के बागवान नाराज हैं, परेशान हैं, इसके चलते उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जीएसटी को लेकर 18% जीएसटी जिस प्रकार से लिया जा रहा है किसानों बागवानों से, इसे घटाकर 12% कर दिया जाए, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश में बागवानी की एक बड़ी संभावना हिमाचल प्रदेश में बन सकती है, जिस प्रकार से इस साल काफ़ी नाराज थे। साथ में जीएसटी कंपनसेशन को भी बहाल करने का मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि इससे प्रदेश को 4,000 करोड़ की चपत लग चुकी है, राज्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने का भी उन्होंने मामला रखा। साथ में जो महत्वपूर्ण बजट में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से सुझाव दिए, कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा एजेंडा था और इस कनेक्टिविटी में रोड्स, रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की हवाई पट्टियां, उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया, मंडी हवाई अड्डे का जिक्र किया, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का जेएस नेगी जी का, और उन्होंने बताया था कि अभी ऑप्शन क्या है बच्चों के पास जो जिनको मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं और जो फेल घोषित हो गए हैं। हालांकि ये कंप्यूटर से चेक हुए हैं चेक, लेकिन ये टीचर्स नहीं है, प्रदेश भर के कॉलेजों के टीचर्स हैं जिन्होंने ये पेपर चेक किए हैं। उसके बावजूद जो कमेटी बनाई है, कमेटी का जो अध्यक्ष प्रो वीसी को बनाया गया है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, कमेटी की बैठक देर शाम को हुई है, जिस कॉलेज में 6 शिकायतकर्ता उनके पास शिकायत दर्ज करवाएंगे उनके पेपर को सैंपल के तौर पे चेक किया जाएगा ताकि पता चल सके कि इसमें किसी तरह की कोई खामी तो नहीं रही है। सैंपल चेकिंग होगी पहले, और अगर सैंपल चेकिंग में ये पता लगा कि ये पेपर ठीक चेक हुए हैं तो फिर सबके चेकिंग नहीं होगी। अगर स्टूडेंट्स ने करानी है तो वो करवा लें, रीवैल्यूएट कराना है तो वो करवा लें, रीचेकिंग करवानी है तो वो भी करवा लें। वैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा था कि वो दोनों ऑप्शन अभी इनके पास है, और क्योंकि रूसा सिस्टम लगने के बाद दोबारा से रीचेकिंग जो है उसको बहाल कर दिया था, और इसीलिए अब इस सुविधा का लाभ ये ले सकते हैं। जहां तक जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि पूरी तरह से उनको पास कर दिया जाएगा जैसा कि कोविड काल में हुआ, वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा था कि फर्स्ट ईयर में जनरली पास परसेंटेज कम रहती है और सेकेंड और थर्ड ईयर में फिर ये आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात है नहीं, ऐसा इन्होंने कहा था। जहां तक फ्री वर्दी जो स्कूलों में बच्चों को मिलनी है, 65 करोड़ की खरीद है, करीब 7 लाख बच्चों को ये मिलनी है और इसके लिए परमिशन मिल गई है, टेंडर कंप्लीट हो गया था 23 को और उसके बाद सिर्फ अब टेंडर खुलना है और इसके बाद जो भी आगे की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार ये मामला चलेगा और बच्चों को क्योंकि समय पर ये मिल जाए इसलिए ये अभी करना जरूरी